मजे में हो, ऐसे ही रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। चलिए तो आज अपन बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल फ्राई। अलग अलग तरह की दाल डाली हुई है। ये दाल फ्राई बहुत टेस्टी तो लगती है और ऊपर से हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फट से बनती अपनी रेसिपी दाल फ्राई वाली। देखिए इस तरह से अपनी दाल बनकर तैयार है। बहुत ही यम्मी लग रही है, हेल्दी तो बहुत है ये। आप भी इसे घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी दाल कैसे बनी। मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, छिलके वाली ग्रीन मूंग और काले उड़ीद दाल, ये सब दालें ली हुई है। प्याज लिया है बारीक कट करके, एक टमाटर लिया है, तड़के के लिए कड़ी पत्ता लिया है, थोड़ी सी अपन उसमें चीनी भी डालेंगे, स्वादानुसार नमक लिया है, ऊपर से डालने के लिए धनिया लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये सब उसकी तैयारी है। तो चलिए अभी अपन दाल बना लेते हैं। सबसे पहले अपन ये दाल को एक सीटी लेकर बॉईल करेंगे। ये दाल मैंने धो ली है, उसमें मैं एक गिलास पानी डालती हूँ। दाल पकते समय भी अपन उसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, ताकि वो दाल को पूरी तरह से लग जाए हर जगह से। एकदम हल्का सा नमक मैंने डाला है। थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं उसमें और थोड़ी सी हींग डालती हूँ। अब इसकी अपन एक सीटी ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने रखा है कढ़ाई में। अपना कुकर हो गया, दाल बॉईल हो गई है, कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक अपन अपना दाल का तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑयल भी गरम हो गया है, अपन अब तड़का कर लेते हैं। राई डाल रही हूँ मैं। राई अच्छे से फूटेगी तब अपन उसमें हींग डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, उसी में मैं ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज को अपन थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। ये तड़का अच्छे से हो जाएगा ना तो दाल बहुत टेस्टी लगती है। अपने प्याज यहाँ पर थोड़े से फ्राई हो गए हैं, उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल लेते हैं। अभी अदरक लहसुन पेस्ट को भी अपन थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट भी अपना यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब अपन मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैं हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं अपन को, थोड़े ही मसाले डालने हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक डालेंगे अपन, लेकिन ये याद रखिएगा अपन ने दाल बॉईल करते समय भी उसमें नमक डाला था, तो उसके हिसाब से अभी थोड़ा ही नमक डालेंगे अपन। टमाटर डाल देते हैं। अब ये मसाले को अच्छे से अपन पकने देते हैं। 2 मिनट के लिए इसे ढककर रखते हैं। ढक्कन खोलकर देखते हैं अपन मसालों को। ये देखिएगा, अब ये मसाले में थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि अपने मसाले और अच्छे से पक जाए। ये देखिए अपने मसाले का तेल ऊपर आया है, अपने मसाला भी यहाँ पर पक गया है। अब इसमें दाल ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से अपने दाल भी यहाँ पर बॉईल हो गई है। अपन को इसको गलाना नहीं था, बस पकाना था, इसलिए मैंने एक ही सीटी ली। अब ये दाल और थोड़ी मसाले के साथ भी पकेगी, तो अपन इसको अभी मसाले में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ उसके साथ। इसमें मैं थोड़ी चीनी ऐड कर देती हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से उबाल आने देते हैं। थोड़ी देर उबालते हैं दाल को तो मसाला और दाल एक साथ मिक्स हो जाएगी। ये देखिए अपनी दाल कितने अच्छे से उबल रही है यहाँ पर। ये देखिए अपनी दाल इस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे अपन अभी घी का तड़का देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी गरम कर लिया है तड़के के लिए, उसमें मैं राई डाल रही हूँ। दाल में डाल दिया है, देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है। राई अच्छे से फूट रही है। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ।
और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। बस यही तड़का अपन दाल में डालेंगे। चलिए दाल को सर्व करते हैं अपन अभी। ये देखिए कितनी मस्त बनी है, बहुत अच्छी बनी है दाल। देखिए देखिए अपनी दाल इस तरह से बन गई है।